आप इतने सालों से सेलिब्रिटी हैं, कैमरा, लाइट्स और मेकअप लाइफ का एक पार्ट है। आप अपने स्किन के ग्लो के लिए किस तरीके से क्या कुछ करती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं? ओह माय गॉड, आई थिंक बचपन से ही आई थिंक मेरी मॉम ने काफ़ी ख्याल रखा है मेरी स्किन का, अननोइंगली मे बी, बट आई रिमेम्बर बचपन में शी यूज टू पुट उबटन, जो घर पे बेसन और दही और हल्दी मिलाकर बनता है और शहद भी मिलाते हैं उसमें, तो आई थिंक वो एक नुस्खा है जो मैं आज तक फॉलो करती आ रही हूँ। आफ्टर पैकअप, कभी जब भी जल्दी पैकअप होता है और मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम रहता है, आई मेक श्योर आई अप्लाई दैट। अब आज तो एलोवेरा और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी यू कैन ऐड इन दैट, सो मैं जो भी मिलता है आई जस्ट ऐड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो आई यूज फ्रूट, जो आप खाते हो, यू नो यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस, बिकॉज आई हैव सीन ब्लेमिशेस गोइंग अवे विद दैट, सो इट इज रियली अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। ओके, कहते हैं पानी पीना बहुत अच्छा होता है ग्लोइंग स्किन के लिए, आप दिन में कितना पानी पीती हैं? एक्चुअली खुद को ना बहुत बोलना पड़ता है कि पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, बिकॉज काम में इतने बिजी रहते हैं, बट देन या आई मेक श्योर कि 2 लीटर तो पी ही लेती हूँ मैं। दादी नानी के स्किन केयर नुस्खे भी बहुत लोग आजमाते हैं, कुछ भी मतलब उनसे बहुत ही ज्यादा उनको हेल्प मिलता है, आप कितना आजमाती हैं और किस तरीके से क्या क्या नुस्खे आपने आजमाए अभी? यस, जैसे कि मैंने कहा कि उबटन जो है वो बेसिकली पुराने जमाने का ही एक नुस्खा है, एंड उसके अलावा यू नो देर इज ऑरेंज पील, जो अभी करेंटली भी बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर किया है कि ऑरेंज जब आप खाते हो तो उसके पील को आप ड्राई करके फिर उसमें शहद मिला के देन यू कैन अप्लाई, बिकॉज हनी हेल्प्स इन टाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड that orange peel helps in brightening of the skin. So, but all these things involve a lot of effort, जो कि नानी दादी कर सकती हैं। Okay. 8 घंटे की नींद जरूरी बताई जाती है, आप कैसे मैनेज करते हो, कितने घंटे आप सोते हो? मेरे साथ नींद का बड़ा पंगा है, because I can't sleep more than 6 hours. It's like my body has a clock fit. जैसे ही 6 घंटे हो जाते हैं, no matter वो दिन के किसी भी टाइम मैं सो रही हूँ, जैसे 6 घंटे हो जाते हैं आई ऑटोमेटिकली वेक अप, उससे ज्यादा मैं सो ही नहीं पाती, सो दैट इज द ट्रबल। ओके, बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू स्लीप फॉर लाइक यू नो आराम से उठूँ मैं छुट्टी वाले दिन 11-12 बजे, बट वो होता नहीं है, एज सून एज द सन राइजेज एंड इट इज अराउंड 7-8 आई वेक अप, देन आई कांट स्लीप आल्सो। ओके, पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से स्किन को कैसे बचाते हो आप? एक तो बहुत ज़रूरी है कि वेन यू नो वेन एवर यू गो आउट एंड कम बैक, तो यू नो वॉश योर फेस, मॉइस्चराइज इट, देन यू नो पुट सीरम्स दैट हैव रिसेंटली कम अप इन द मार्केट, अ लॉट ऑफ सीरम्स, सो यूज दैट एंड यूज मॉइस्चराइजर, जस्ट यू नो ऑल्सो वेन यू गोइंग आउट देन यू कैन कवर योर फेस विद अ मास्क, अब तो मास्क आ गए तो देर इज नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा मास्क, बट या दीज आर द लिटिल थिंग्स, स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू। ओके, या आपसे और जानना चाहूंगी कि ऑडियंस को और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपने तरफ से ये स्किन को लेकर टिप्स अगर देना हो तो? अपने तरफ से आई थिंक जब मैं बच्ची थी तो आई डोंट थिंक कि मैंने अपने स्किन पे ज्यादा कुछ किया होगा अपार्ट फ्रॉम द देसी नुस्खा, यू नो लाइक अप्लाइंग रॉ मिल्क ऑल्सो इज वन ऑफ देम, बट आई फील यू नो वंस यू ग्रो देन आई थिंक इट इज़ नेसेसरी कि आप हफ्ते में नहीं, एक्चुअली 2 हफ्ते में एक बार यू नो क्लीनिंग या फेशियल या कुछ ऐसा आप करवा सकते हो, जस्ट टू यू नो रिजुवेनेट योर स्किन एंड कीप इट हेल्दी एंड शाइनिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू।